इसका दर्द तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। पायर 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 प्रेम तन धन पायो, प्रेम तन धन पायो। आवाज जो दिल को छू जाए, आवाज जो कानों से होकर रूह में उतर जाए, आवाज जिसे सुनकर लोग दीवाने हो रहे हैं। आखिर किसकी है ये आवाज, आज हर कोई जानना चाहता है आखिर कौन है ये क्यूट कपल। तो बता दें ये मैरिड कपल साचित टंडन और परंपरा ठाकुर हैं। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई नॉर्मल कपल है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल कपल नहीं बल्कि बॉलीवुड के जाने माने म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर और स्टार सिंगर साचित टंडन और परंपरा ठाकुर हैं। इन्होंने बॉलीवुड को कई हिट सॉन्ग्स दिए हैं जैसे पल पल दिल के पास, मेरे सोनिया, मुकाबला और इनका मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग बेख्याली है। अभी हाल ही में इन्होंने एक सॉन्ग छोड़ देंगे गाया है जो लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। तो दोस्तों देर ना करते हुए इस कपल की लाइफ स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और साथ ही में इस कपल की लव स्टोरी के बारे में भी जानेंगे। 17 अगस्त 1989 को नवाबों के शहर लखनऊ में एक पंजाबी फैमिली में साचित टंडन का जन्म होता है। इनकी फैमिली में किसी को भी सिंगिंग का कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन साचित को बचपन से ही सिंगिंग करने का बहुत ही शौक था। इन्होंने अपनी पढ़ाई लखनऊ के एक प्राइवेट स्कूल सेंट फेडलिस स्कूल से की है और साथ में ही वह यहाँ पर सिंगिंग भी सीखते थे। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से की है। सिंगिंग में इंटरेस्ट होने के कारण साचित ने अपने पैशन को फॉलो करते हुए ये मुंबई आ गए और यहाँ पर साचित ने द वॉइस इंडिया शो में अपना ऑडिशन दिया और सेलेक्ट हो गए। इस शो में साचित ने हिमेश रेशमिया की टीम को चुना और इस शो में साचित फाइनलिस्ट भी रहे। दोस्तों और आप बात करते हैं परंपरा ठाकुर के बारे में। 28 फरवरी 1992 को दिल्ली के नोएडा में एक राजपूताना परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम परंपरा रखा गया। परंपरा के माता पिता को सिंगिंग का बहुत ही शौक था। दोस्तों आपको बता दें कि इनके पिता ने 1991 में नोएडा में एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट खोला जो कि नोएडा का पहला म्यूजिक इंस्टीट्यूट था, जिसमें अन्य बच्चों के साथ परंपरा भी सिंगिंग सीखती थी, जिससे परंपरा 3 साल की उम्र में ही सिंगिंग करने लगी। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में की और फिर अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली में ही लेडी श्रीराम कॉलेज से की। वर्ष 2015 में परंपरा ने टीवी रियलिटी शो द वॉइस इंडिया में अपनी लाइफ का सबसे पहला ऑडिशन दिया। जजेस को इनकी आवाज़ इतनी पसंद आई कि यह पहले ही ऑडिशन में सेलेक्ट हो गई और इन्होंने मीका सिंह की टीम को चुना। परंपरा इस शो को जीत नहीं पाई लेकिन टॉप 4 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। दोस्तों अब थोड़ा सा इनकी लव स्टोरी के बारे में जानते हैं। इस शो के दौरान जब साचित और परंपरा फाइनल्स में पहुंचे तब परंपरा ने साचित को कांग्रेचुलेशंस बोला। तब साचित ने इनके साथ बड़ा ही रूड बिहेव किया जिसकी वजह से परंपरा रोने लगी। तब साचित को अपनी गलती का एहसास हुआ और साचित ने परंपरा से माफ़ी मांगी। फिर इसके बाद इनकी बात कभी नहीं हुई और शो खत्म हो गया, सब अपने अपने घर चले गए। शो खत्म होने के ठीक 6 महीने बाद मीका सिंह ने एक पार्टी रखी। इस पार्टी के दौरान साचित और परंपरा की मुलाकात हुई और दोनों में एक नॉर्मल बातचीत होती है और फिर दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद दोनों ने मिलने का मन बनाया और फिर दोनों मुंबई आ गए और यहाँ पर दोनों ने कवर सॉन्ग्स और एल्बम सॉन्ग्स गाए और लगभग 1 साल की मेहनत के बाद इस जोड़ी को फिल्म टॉयलेट में गाना गाने का मौका मिला। इसके बाद यमला पगला दीवाना 2 में, बत्ती गुल मीटर चालू में इन्होंने कई हिट सॉन्ग्स दिए। बट 2019 इनके लिए बहुत ही लकी साबित हुआ क्योंकि इन्होंने इस साल कबीर सिंह के लिए बेख्याली गाया जो देखते ही देखते सुपर डुपर हिट हो गया। साथ में काम करते करते इन्हें पता ही नहीं चला कि कब प्यार हो गया और 20 नवंबर 2020 को इन दोनों ने शादी कर ली और अब ये YouTube पर शॉर्ट्स वीडियोस बनाते हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहे हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है।